देखो अभी तो वैसे नीट 23 का सीजन चल रहा है, हर जगह आपको नीट 23 के लिए स्ट्रेटजीज, मिस्टेक्स, स्टडी प्लान्स ये सब चीजें दिख रही होंगी। लेकिन अगर आप लोग नीट 24 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये सब छोड़ो, अभी से अपने नीट के लिए सीरियसली पढ़ना स्टार्ट करो। 700 प्लस स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। आप अभी चाहे जीरो लेवल पे ही क्यों ना हो, खुद की मेहनत और सही गाइडेंस से आप इस बचे हुए टाइम में फुल 720 स्कोर कर सकते हो। हमेशा से यही होता आ रहा है कि नीट हर साल फर्स्ट वीक ऑफ मई को कंडक्ट होता है। हाँ, 2020 से कोविड आउटब्रेक की वजह से डेट थोड़ा इधर उधर हो गई थी, लेकिन अब एग्जाम वापस अपने शेड्यूल पर आ गया, तो नीट 2024 भी फर्स्ट वीक ऑफ मई को ही कंडक्ट होगा। तो इस डेट को अभी से दिमाग में डाल दो। अब सबसे पहले आप सभी लोगों से एक छोटा सा सवाल कि आपने अपना एम कितना रखा हुआ है। अगर 720 तो कॉन्ग्रेचुलेशन, लेकिन अगर 720 से कम तो एक और सवाल, क्यों? कम एम रखने से कोई फायदा होता है क्या? आपके ऑप्शंस हैं ए, बिल्कुल होता है, बी, डोंट नो डोंट केयर, सी, हाँ होता है लेकिन दूसरे एस्पिरेंट्स को क्योंकि उनने अपना एम 720 रखा हुआ है, और ऑप्शन डी, नहीं बिल्कुल नहीं होता। इसका जवाब आप लोग खुद ही डिसाइड कर लेना। अभी स्टार्ट एमिंग फॉर 720 आउट ऑफ 720 एंड नेक्स्ट स्टार्ट वर्किंग फॉर इट। तो पहले हम लोग बात करते हैं कॉन्सेप्ट्स की, जिसके लिए आपको कोई कोचिंग या फिर कोई बैच ज्वाइन करना पड़ेगा, चाहे फ्री हो या पेड। ऑफलाइन कोचिंग की बात करें तो आप टीचर से सब कुछ फेस टू फेस सीख सकते हैं, और बाकी स्टूडेंट्स की वजह से एक सेंस ऑफ कंपटीशन बना रहता है। ये सब एडवांटेजेस आपको ऑनलाइन में तो नहीं मिलेंगे, लेकिन वहां पर आपको अपना खुद का एक पर्सनल शेड्यूल बनाने का फ्रीडम मिलता है, और साथ में ऑनलाइन इंस्टीट्यूट्स ऑफलाइन के कंपैरिजन में काफी ज्यादा अफोर्डेबल है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। तो बस अब अपने हिसाब से आप ऑफलाइन या ऑनलाइन इंस्टीट्यूट चूज कर सकते हो। कुछ सजेशंस ये, अच्छा वैसे ऑनलाइन से याद आया, काफी लोग अभी वन शॉट लेक्चर्स भी देखना स्टार्ट करेंगे, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, वो आपके लिए नहीं है। वन शॉट लेक्चर्स नीट 23 वाले एस्पिरेंट्स के लिए है, उनके एग्जाम में कम टाइम बचा है। आपके एग्जाम में अभी काफी टाइम है, तो आपको डिटेल्ड लेक्चर्स ही देखने चाहिए, और साथ में क्लास नोट्स भी बनाओ, और एंड पे ढेर सारी प्रैक्टिस भी करो। अब अगर आगे की पढ़ाई की बात करें तो ऑल थ्री सब्जेक्ट्स आर अबाउट ग्रैबिंग कॉन्सेप्ट्स, प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस, एंड ऑफ कोर्स टेस्टिंग योरसेल्फ। और आपकी प्रिपरेशन के लिए मेरे पास कुछ नॉर्मल और अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल टिप्स हैं, जो आपको ये तीनों चीजें करने में हेल्प करेंगी। सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करना, लेकिन सिर्फ नॉर्मल एमसीक्यू टाइप नहीं, बल्कि assertion reason और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। नीट 22 में assertion reason और स्टेटमेंट बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए थे, और इन क्वेश्चंस का सिर्फ एक ही सलूशन है, बहुत सारी प्रैक्टिस। दूसरा पॉइंट है रेगुलर रिविजन्स। एक बार कोई भी चैप्टर पढ़ने के बाद उसके रेगुलर रिविजन्स करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी रिविजन का तरीका यूज करो, मकसद सिर्फ इतना है कि हर चीज के मल्टीपल रिविजन्स कंप्लीट होने चाहिए। तीसरा पॉइंट है रेगुलर टेस्ट, एनालिसिस और मिस्टेक नोटबुक। टेस्ट आपकी प्रिपरेशन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसको डायरेक्टली इग्नोर करते हैं, लेकिन ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी। और हाँ, टेस्ट और एनालिसिस में से एक साथ इसीलिए मेंशन कर रहा हूं क्योंकि बिना एनालिसिस के टेस्ट देना बिल्कुल बेकार है। कम मार्क्स आ रहे हैं तो आपको डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है, बस ये माइंडसेट रखना है कि हाँ, अब मैं ये गलतियां आगे से रिपीट नहीं करूंगा। और सबसे जरूरी ये चीज है कि आप अपने सभी टेस्ट ऑफलाइन मोड में ही दें, ताकि आप नीट जैसा एनवायरनमेंट रेप्लिकेट कर रहे हो। तो टेस्ट देने के लिए सॉल्व पेपर्स भी आपकी काफी हेल्प कर सकते हैं, और मेरे हिसाब से दिशा पब्लिकेशंस की फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सॉल्व पेपर्स इसके लिए काफी यूजफुल है। लेट मी एक्सप्लेन। इस पूरे सेट में आपको हर सब्जेक्ट के लिए 2022 से लेकर 1988 तक सारे क्वेश्चंस टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। ये तीनों ही बुक्स इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, और इसमें हर एक क्वेश्चन का 100% एररलेस डिटेल्ड सॉल्यूशन दिया हुआ है, और साथ में सॉल्यूशंस के साथ कॉन्सेप्ट समझने के लिए वैल्यू एडेड नोट्स भी दिए हुए हैं। चैप्टर वाइज ट्रेंड एनालिसिस की हेल्प से आप हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और सब टॉपिक समझ सकते हैं, और रिसेंटली इसमें एनसीईआरटी पेज लोकेटर नाम का फीचर भी एड हो गया है, उस पे आप एनसीईआरटी की पेज वाइज इंपॉर्टेंस भी समझ जाएंगे। तो अगर आपको ये बुक्स इंटरेस्टिंग आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन्स के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में। अब बाकी वीडियो पे वापस आते हैं। एक इफेक्टिव प्रिपरेशन के लिए ये जरूरी है कि आप डेली गोल सेट करें, लेकिन वो जो पूरे हो सके, क्योंकि ऐसा आपको नहीं करना है कि आप एक दिन के लिए 20 चैप्टर्स का गोल सेट करें और एंड पे आप एक भी कंप्लीट नहीं कर पाए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हार्ड वर्क। नीट एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो इसको क्रैक करने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, और अगर आप एग्जाम सच में क्रैक करना चाहते हैं तो आपको अभी से दिन रात एक करना स्टार्ट करना होगा, क्योंकि देयर इज नो अल्टरनेटिव टू हार्ड वर्क। अच्छा वैसे आपने नोटिस किया होगा कि मैंने वीडियो में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मॉक टेस्ट इन सबको अलग से डिस्कस नहीं किया, क्योंकि मैंने इन सभी एस्पेक्ट्स पे ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो डिस्कशंस बनाए हुए हैं। तो अगर आपको इनमें से अपना कोई भी एस्पेक्ट वीक लगता है, आप सामने दी हुई प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। What just happened?